ये आपका फॉर लूप का सिंटैक्स और एग्जांपल था। तो हम कुछ क्वेश्चन आप लोग के साथ लाइव करेंगे, उसके बाद कुछ आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मैं असाइनमेंट में दे दूंगा। ठीक है, क्लियर? तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ। कोई डाउट है तो पूछिए अभी, किसी को अगर समझने में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बोलिए, किसी को डाउट है या मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं? सर स्टार्ट कीजिए। सबको, आप लोग को ये दिख रहा है मेरा यस सर। C++। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोग को जैसे आपको बता रहा हूं, राइट ए प्रोग्राम जितना फैक्टर्स होगा उसको प्रिंट करना है। मान लीजिए कि मैं 12 लिखा, 12 एंट्री किया, तो इसका फैक्टर्स क्या होगा? फैक्टर्स पता है किससे किससे? ये 12 डिजिबल है, डिविजिबल है। यस सर, यस तो क्या होगा? वन होना चाहिए प्रिंट, टू होना चाहिए, थ्री होना टू थ्री चाहिए, फोर होना चाहिए, फोर सिक्स होना चाहिए, सिक्स और एक लास्ट 12। ठीक है, 12 तो रहेगा ही। ये आपका ट्वेल्व कोई भी हम नंबर देंगे तो आपको उसका फैक्टर्स प्रिंट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं दूं इस बार 15। ठीक है, 15 का क्या क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, थ्री फिर फाइव हो फाइव जाएगा, फिर आपका 15 यही होगा। मान लीजिए मैं इस बार नंबर दे रहा हूं आपको आपका सेवन, सेवन का क्या होगा फैक्टर्स? जाएगा वन एंड सेवन। सेवन। तो आपको कोई भी नंबर देंगे हमको आपका फैक्टर्स निकल के आना चाहिए। इसका लॉजिक क्या होगा आप लोग में कोई बताइए हमको, कैसे ये चेक करेंगे? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि एक बार हम एक को चेक किए, फिर दो को चेक किए, फिर तीन को चेक किए, फिर चार को चेक किए, फिर पांच को किए, फिर छह को किए, अप टू अगर 12 तक हम लोग चेक करें इसको, ये फैक्टर है कि नहीं है, तो मेरा काम बन जाएगा। तो कैसे चेक करेंगे कि ये मेरा काम हो जाए? बताइए, कोई एक मुझे बताइए। समझ में आ रहा? फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो नंबर से जिसका हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो डिविजिबल हो। डिविजिबल कैसे चेक करते हैं हम लोग? ऑड इवन में बताया था आप लोग को कैसे डिविजिबल चेक करते हैं। अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो क्या होगा? वो डिविजिबल डिविजिबल होगा। तो अगर मैं ये कंडीशन एक लूप में चला दूं जो कि आपका पूरा नंबर्स के साथ वो चेक करते जाएगा, और उस नंबर्स का मैं अगर डिविजिबल चेक कर लूं कि मेरा नंबर से डिविजिबल है कि नहीं, तो मेरा काम बन जाएगा। यही तो करना है मुझे। तो देखिए, मैं हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ठीक है, इंट ये तो मेरा कॉमन चीज है, इसको तो सब जगह लिखना है, मैंने लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक लूप के लिए इंट आई ले लिया, ठीक है, और एक मैं ले रहा हूं जिसका कि फैक्टर्स निकालना है नाम, ठीक है, इंट जिसका कि फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। उसके बाद मैं यूजर से ले ले रहा हूं कि भाई तुम हमें नंबर दे दो जिसका कि फैक्टर्स आपको निकालना है, इंटर
क्लियर, ये मैं यूजर से ले लिया, यूजर हमको दे देगा। इसको मैं क्या कर रहा हूं, स्कैन करके रख ले रहा हूं, स्कैन एप परसेंटेज डी कोमा एंड परसेंट नम, नम में मेरा वो नंबर आ गया। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूं। ठीक है, उसको क्या कर रहा हूं कि हम वन से लेके उस नंबर तक उसको लूप चलाएंगे और एक एक इंक्रीमेंट करेंगे। तो i इक्वल्स टू मैं क्या कर दे रहा हूं, जीरो सॉरी वन, क्योंकि वन से चलाना है मुझे। और क्या कर रहा हूं, i को मैं इस बार क्या करना हूं, सेकंड सेमी कॉलन के बाद क्या करना है हमको, कंडीशन चेक करना है। तो i को मैं क्या कर रहा हूं, लेस देन इक्वल्स टू नम कर दे रहा हूं, कि जो भी नंबर हमें मिलेगा उससे लेस और इक्वल्स जब तक नहीं होगा मेरा ये लूप चलते रहेगा। उसके बाद मैं अपना फॉर लूप बना दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, मेरे पास नम और आई दो वेरिएबल्स आ गया। आई भी मेरा वेरी कर रहा है, वन टू थ्री फोर ये चेंज हो रहा है। तो मैं कर क्या रहा हूं, इफ अगर, जैसे कि आप ऑड इवन निकाले थे वैसे ही मैं क्या कर रहा हूं इस बार, अगर नम मेरा जीरो मतलब डिविजिबल हो जाएगा आई से तो मैं प्रिंट कर दूंगा आई को। ठीक है, क्या कर रहा हूं देखिए, इफ नम मॉड आई, ठीक है, ये क्या देगा, मैं रिमाइंडर देगा। इसको मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल्स टू जीरो कर देना तो मेरा काम हो जाएगा, रिमाइंडर मतलब कंप्लीट डिविजिबल है ये। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर दे रहा हूं, प्रिंट एफ परसेंटेज बी कोमा आई, ये मैं प्रिंट कर दे रहा हूं। ये कब होगा, ये जब मेरा आई डिविजिबल होगा तभी ये ट्रू होगा, मेरा होगा ना। और इसके ऊपर में मैं लिख देता हूं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, ये लॉजिकल नहीं है बस अच्छा दिखने के लिए, प्रिंट एफ फैक्टर्स ऑफ नंबर, ठीक है, इक्वल्स टू परसेंटेज डी कॉमा, ठीक है, ये हो गया। और इसको मैं स्लैश टी डाल देता हूं, समझ में आया आप लोग को क्या कर रहा हूं मैं। रिटर्न जीरो, देखिए मैं क्या किया यहां पे, आई को वन से स्टार्ट किया और ये कब तक जाएगा, जब तक ये आपका नंबर जो है, मान लीजिए नाम का वैल्यू मैं 12 लिया हूं, ये 12 तक जाएगा, क्या करेगा हमेशा ये लूप, ये कितना बार चलेगा, वन पे चलेगा, टू पे चलेगा, थ्री पे चलेगा, फोर पे चलेगा, फाइव पे चलेगा, सिक्स पे चलेगा, सेवन पे चलेगा, एट पे चलेगा, नाइन पे चलेगा, टेन पे चलेगा, अलेवन और ट्वेल्व पे चलेगा, उसके बाद ही ये फॉल्स होगा, क्योंकि मैं आई का वैल्यू क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, वन टू एक इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। आई प्लस प्लस का मतलब क्या था, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, तो ये आपका इंक्रीमेंट हो रहा है वन वन। और यहां पे उसके बाद जैसे ही ये ट्रू, मान लीजिए आई का वैल्यू वन है और ये आई लेस देन आपका ट्वेल्व है, ये ट्रू हो गया तो ये कहां आएगा, ब्लॉक में आएगा, फॉर के ब्लॉक में आएगा। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, कंडीशन चेक कर रहा हूं कि अगर नम मॉड वन है, अगर ये जीरो हो जाएगा तो उसको प्रिंट कर दो, अन्यथा हमको प्रिंट नहीं करना है। मान लीजिए आई इक्वल्स टू फाइव आ गया तो 12 मॉड 5 क्या होगा, 2 आएगा ना, 12 मॉड 5 कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 2। ये क्या हो गया, ट्रू नहीं हुआ तो ये प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मैं कंडीशन लगा दिया कि मतलब अगर मुझे पता है कि कोई भी नंबर को अगर मॉड से डिवाइड मॉड किया जाए तो वो उसका रिमाइंडर देता है, और रिमाइंडर जीरो का मतलब क्या है, कंप्लीट डिविजिबल,
वही निकालना हमको, कंप्लीट डिविजिबल निकालना है, तो ये मेरा काम कर देगा। इसको मैं सेव कर देता हूं, फैक्टर्स वन, इसको मैं कर दिया, डॉट सी में सेव हो गया सेव। अब इसको मैं कंपाइल कर रहा हूं, एग्जीक्यूट कंपाइल, देखते हैं कुछ इधर उधर दे रहा है क्या। समझ में है आप लोग को क्या कर रहा हूं? लॉजिक थोड़ा जितना भी अभी चीज मैं बताया आपको, बस उसमें से आपको मैथमेटिकल लॉजिक लगाना है। जितना सिंटैक्स पढ़े हैं आप, उसको देख के आपको लॉजिक लगाना है, क्लियर? जैसे कि लास्ट क्लास में दो असाइनमेंट भी दिया था आप लोग को, ये देखिए एरर दिया है, अनडिफाइंड रेफरेंस स्कैनफ। स्कैनफ का स्पेलिंग बताइए। SCANF SCANF हम लोग क्या लिखे थे? SCANF। तो ये एरर दे दिया यहां पे, देखिए अनडिफाइंड रेफरेंस टू स्कैनफ। ये चीज जो है आपको खोजना पड़ेगा कि कहां हम लोग गलती किए हैं। कंट्रोल सेव कर दिया, इसको फिर से मैं कंपाइल कर रहा हूं। देखिए इस बार क्या हो गया, एरर जीरो और वार्निंग जीरो। अब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं, इसको रन कर दिया, तो देखिए क्या दे रहा है, इंटर योर नंबर्स टू नो द फैक्टर। मैं यहां पे दिया 12, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा, फैक्टर ऑफ नंबर 12 क्या दिया, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यही फैक्टर्स होता है, यही फैक्टर्स होता है ना? यस सर। तो ये सही है। ये क्या कर रहा है, देखिए हमेशा क्या किया, जब 1 हुआ तब चेक किया, तो ये ट्रू हो गया तो ये प्रिंट कर दिया, फिर 2 किया चेक किया ट्रू हो गया प्रिंट कर दिया, 3, 4 सब पे किया, जब 5 हुआ होगा तब ये रिमाइंडर क्या दे दिया होगा, 2 दे दिया होगा, ये फॉल्स हो गया, तो कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ठीक है। अगर मैं बोलूं, ठीक है इसको और एक दो बार रन करके आपको दिखा देता हूं डिफरेंट नंबर्स के लिए। इस बार मान लीजिए 7 दिए, तो 7 का फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1 7 1 7 1 7, तो 1 7 आना चाहिए, आ गया 1 7 आ गया ना? यस सर। फिर से मैं कर रहा हूं, इस बार बताइए आप लोग कोई नंबर। 45 45, देखिए 45 का क्या क्या फैक्टर्स है, 1 3 5 9 15 45, ठीक है। और कोई इसका फैक्टर्स होगा नहीं ना? तो देखिए हम छोटा सा लॉजिक लगाए और ये बहुत बड़ा बड़ा चीज कर दे रहे हैं।